हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्यश चौहान और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने सभी जगह ऐसा देखा होगा कि कोई एक ऐसा छोटा सा नॉब है जिसके थ्रू आप एलईडी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा कई जगह पे देखा होगा, पर आपको क्या पता है कि इसकी जो सर्किट है वो क्या कैसी होती है और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही देखने वाले हैं कि ये जो सर्किट है कि जो एलईडी की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसकी सर्किट कैसे बनती है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग वही बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट के अंदर चाहिए एक ऐसा पोटेंशियोमीटर, जिसको आप वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हो, जो कि आपने हर एक डिवाइस के अंदर देखा होगा, जिसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा कर इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने पोटेंशियोमीटर लिया है, ये जो है वो 10 किलो ओम का है। फिर लिया है एक BC547 का ट्रांजिस्टर, फिर एक ली है एलईडी, ये अभी मैंने ब्लू कलर में ली है, आप कोई भी कलर की ले सकते हो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से। फिर चाहिए एक ऐसा 1 किलो ओम का रजिस्टर, और चाहिए कुछ वायर जो कि हम कनेक्शन के लिए यूज़ में लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर ये पहली वाली जो पिन होती है वो है कलेक्टर की, बीच वाली बेस की रहती है, और तीसरी वाली जो है वो एमीटर की रहती है। तो ये जो एमीटर की यानी कि तीसरी वाली जो पिन है उसको कनेक्ट करना है हमारे जो पोटेंशियोमीटर है उसकी पहली लीड के ऊपर। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी बेस के पिन जो है उसके साथ हमें कनेक्ट करना है ये रजिस्टर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पिन जो है बेस और ये वाली पिन वहाँ पे ये रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रजिस्टर को भी कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हो आप। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें कनेक्ट करना है एलईडी। तो एलईडी के लिए क्या करूँगा कि मैं इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दूंगा इस साइड। तो यहाँ पे मैंने एलईडी को भी कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हो आप। अभी फाइनल स्टेप हमारा क्या रह गया है कि हमें कनेक्ट करना है पावर सप्लाई। तो जो हमारी पावर सप्लाई की नेगेटिव टर्मिनल है उसको नीचे कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैंने पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो मैं चलो इसके अंदर पावर सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है, और जैसे यहाँ पे मैं ये जो नॉब है उसको क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती है, और जैसे जैसे मैं इसको कम करता हूँ इसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो। तो इस तरह से दोस्तों आप एलईडी की जो ब्राइटनेस है उसको ये पोटेंशियोमीटर और ट्रांजिस्टर की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के अंदर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हो मैंने इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र आईडी है वो भी यहाँ पे रखा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा ताकि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकें, और आप अब वहाँ पे मुझे पर्सनली कोई भी आपको सर्किट के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है या कैसे काम करना है तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके मैसेज का सॉल्यूशन यानी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।